हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 40 क्लास 7 ICSE बोर्ड और हम आरके वंसल राइटर हैं सेलना प्रोफेसर के उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 4C तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 40 एंड द एक्सरसाइज 40 इज फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वेदर द गिवन डिवीजन फॉर्म्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल और आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, इसको हम एक मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बना सकता हूँ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाली, जिसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर वो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये एक्सरसाइज, क्योंकि उस वीडियो में मैं ये सारी एक्सरसाइज डिस्कस कर चुका हूँ कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनको कैसे लिखेंगे। तो आप वीडियो जरूर देख लें, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पर करूँगा तो आप यहाँ ही समझ में आ जाएगा आपको कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। द फर्स्ट पार्ट इज 3/8। अब इसको हमें क्या करना है, 8 का डिवाइड 3 में, 3 में नहीं जाएगा ना, जाने कि जीरो कह सकते हैं, जीरो लगाना, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ हम जीरो बनते हैं। डिवीजन तो जानते हो, सेवन क्लास में आगे है ना। अब 8 का डिवाइड लो, 8 3 जा 24, 30 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करा तो 6 बचा। अब आगे एक जीरो इंसर्ट कर लिए क्योंकि पॉइंट आ चुका है, तो हम हर प्लेस के बाद हम जीरो बढ़ा सकते हैं जितने चाहे, है ना। 8 जितने चाहे हो सब्ट्रैक्ट होने के बाद जितने स्टेप बाई, यानी कि यहीं बढ़ा देंगे ना। 8 7 जा 56, 60 में से 56 सेपरेट करा फिर 4 आ गया। अब इस स्टेप में भी जीरो आगे बढ़ा सकते हैं। अब 8 5 जा 40, रिमाइंडर आ गया जीरो। यही क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का, सॉरी, इस तरह के सवाल जिसमें रिमाइंडर जीरो आए, यही कहलाते हैं टर्मिनेटिंग। ओके, तो हमें यही बताना था कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं। फाइंड वेदर द गिवन डिवीजन फॉर्म अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो लिख दोगे इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी एक पार्ट और करते हैं हम, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 8/3, ठीक है, 3 का डिवाइड 8 में हम करते हैं। चलिए करें, 3 2 जा 6, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा 2, अब है नहीं कुछ, पॉइंट लगाते हैं, जीरो लगाते हैं, ये तो जानते हैं आप। फिर 3 का डिवाइड करें, 3 6 जा 18, फिर 20 में से 18 सब्ट्रैक्ट करें 2 आ गया, फिर 0। तो देखो ये रिपीट होता जाएगा, 3 6 जा 18, फिर 2 आ रहा है, 2 2 2 आ रहा है, तो यानी कि क्या होगा, ये 6 6 टाइम्स जाता रहेगा और ये कभी भी एंड नहीं होगा, यानी कि रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। तो ये इस तरह के, इसको हम क्या लिखते हैं, हम वीडियो बताया था इंट्रोडक्शन में, यानी कि 8/3 क्या है, 8/3 इज इक्वल आ गया 2.666 .. यानी कि एंड सो ऑन, या फिर जो डिजिट्स रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार या डॉट लगा सकते, बताया था। तो 2.6 बार का मतलब 2.666। तो इस तरह के डिवीजन जिसमें रिमाइंडर जीरो ना हो और कुछ स्टेप बाद रिपीट होना शुरू हो जाए, तो ये रिपीटेशन जिसे बोलते हैं रिकरिंग, है ना, रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये जो डेसिमल कहलाता है इस तरह का, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको लिख दोगे इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, डेसिमल, ओके, क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट, इन थर्ड पार्ट 6/5, तो 5 का डिवाइड 6 में, 5 1 जा 5, 6 में से 5 सेपरेट करा 1 आ गया, डेसिमल लगाए हैं 0, 5 2 जा 10 और रिमाइंडर कुछ नहीं आया, है ना। तो क्या हुआ, इट इज आर टर्मिनेटिंग, क्लियर। अब इसमें बचे आपके 5 पार्ट्स, जिसमें से आपको आगे के पार्ट खुद करोगे इस तरीके, लेकिन डरो मत, मैं आगे के पार्ट करने वाला हूं, चिंता मत करिए, है ना, इस मेथड से करोगे। एक दूसरा मेथड मैं अब बताने वाला हूँ, उन सारे पार्ट्स को मैं उस मेथड से करूँगा, इसलिए मैंने कहा। और बाकी लेकिन आप लोग 6 क्लास है, 7 क्लास है, तो आप इस तरह से डिवीजन करना, आपका डिवीजन का भी
क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा, इस तरह से रिवीजन हो जाएगा, है ना। एक दूसरा तरीका होता है, हम बिना डिवाइड करे, आप जब नाइन्थ में पहुंचोगे, नाइन्थ में ये पढ़ाया जाता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हमें डिवाइड भी नहीं करना है और बता देना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है ना। तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि आप जब पढ़ी रहे हैं तो अच्छे से सीखो, तो हम उसके आगे के पार्ट उस मेथड से करते हैं। चलिए भाई हम डिस्कस करेंगे कैसे करेंगे। फोर्थ पार्ट, अब फोर्थ पार्ट में है फाइव डिवाइडेड बाई सिक्स, सिक्स नहीं आप यही है ओके। अब देखो विदाउट डिवाइड करें, हम इसको डिवाइड भी ना करें, फिर हम देखें क्या ये सही है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, मतलब टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखो ये 5 अपॉन 6 का मतलब क्या है, 5 अपॉन 6 यानी कि ये रेशन नंबर p अपॉन q की फॉर्म है, है ना। तो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर n में हो, किसकी बात चल रही है, q की, q का मतलब डिनोमिनेटर, या 5 की पावर n में हो या फिर 2 इंटू 5 की पावर n में हो, तब ये टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, वे p एंड q बोथ आर को प्राइम, यानी कि p और q किसी से कटने नहीं चाहिए। दूसरे शब्दों में इनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। को प्राइम का मतलब ये आपस में नहीं कटना चाहिए। अब समझ लो, जैसे ये क्वेश्चन था 5/6, तो इसको डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 2 इंटू 3। तो ये 2 की पावर n में नहीं है, 5 की पावर n है खाली नहीं, 2 इंटू 5 की पावर n नहीं, क्योंकि 3 और आ रहा है। अगर 3 की जगह 5 होता या 3 की जगह 2 होता तो खाली 2 की पावर 2 होता, 2 की पावर 2 होता तो ये टर्मिनेटिंग होता। जैसे कि हमने एक सवाल इसका फर्स्ट पार्ट करा था, ये रहा 8 का मतलब क्या है, देखो 8 को जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर n की फॉर्म में, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो ये टर्मिनेटिंग था, हमने सॉल्व करके दिखाया था, टर्मिनेटिंग आया था, इट इज आ टर्मिनेटिंग ओके, क्लियर ना। एक और देखो, सबसे लास्ट पार्ट, इससे पहला थर्ड पार्ट करा था, अपॉन में 5 है यानी कि 5 की पावर 1 और ये क्या है, को प्राइम यानी कि 6 और 5 किसी से कैंसिल नहीं हो रहे, तो ये भी टर्मिनेटिंग था, डायरेक्ट बता सकते थे। देखो हमने सॉल्व करा था, टर्मिनेटिंग आया था, इट इज आ टर्मिनेटिंग। इसी तरह अब ये कर सकते हैं 5 डिवाइडेड 6, अब कॉज क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे कि 6 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, क्या लिखेंगे, अगर कॉस लिखोगे, एक तरीका तो यही है, क्या दोनों तरीके से सवाल को कर देता हूँ, 6 का डिवाइड हम 5 में करें, 6 8 जा 48, 2 बचा, फिर 0 डाल दिया, 6 3 जा 18, फिर 2 बचा, अब क्या 3 3 रिपीट होता रहेगा, 6 3 जा 18, देखो दिखाई दे रहा है, फिर 6 3 जा 18, कब तक लिखना है, जब तक आपकी मर्जी है, बस एंड सोन छोड़ दो, एंड सोन। तो ये क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग, या इसी को हम बोलते हैं रिकरिंग या रिपीटिंग, 3 3 3 रिपीट हो रहा है, रिकर हो रहा है ना, बार बार इसकी रिपीटेशन हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा डिवीजन, या इसी को हम बोल सकते हैं इट इज एन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आगे पूरा पूरा लिख देते हैं, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, लेकिन आपने बस पूछा है नॉन टर्मिनेटिंग है टर्मिनेटिंग है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब इसको मैं इस मेथड से करूं तो कैसे करता मैं, कि 5 डिवाइडेड बाई 6 और यानी कि 5/6 और फिर लिखता 5/2 इंटू 3, फिर लिखता इसे हम p अपॉन q की फॉर्म बोलते हैं, कि q यानी कि डिनोमिनेटर, q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m या n कुछ भी ले सकते हो, 5 की पावर n और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो ये इस फॉर्म में नहीं है, इज नॉट, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। नाउ सिक्स पार्ट, सॉरी फिफ्थ पार्ट, अभी तो फोर्थ हुआ है, फिफ्थ पार्ट, कुछ मैंने लिखने में गलती करी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ था, फिफ्थ ही होगा सर, फिफ्थ पार्ट, 12.5 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो अपॉन में 4 क्या होता है, 2 की पावर 2, तो इस फॉर्म में आ गया 2 की पावर n की फॉर्म में, तो यानी कि ये टर्मिनेटिंग होगा, आप डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर 0 आना, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब डिवाइड करते जाओ और वो कभी खत्म ही नहीं होगा, कुछ स्टेप बाद रिपीट होना शुरू हो जाए, हो सकता है तुरंत हो जाए, हो सकता है कुछ 5-6 स्टेप बाद हम डिवाइड करो उसके बाद रिपीट हो, वो डिपेंड करता है डिनोमिनेटर क्या देखा। तो इसको मैं इस मेथड से कर रहा हूँ,
इसका मतलब क्या है 12.5 अपॉन 4, तो और ये किसके इक्वल है 12.5 अपॉन 2 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 2, ये तो आप समझते हैं। फिर लिख दोगे कि Q यानी कि डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power n, 5 raised to the power ऑफ या और 2 raised to the power n इंटू 5 raised to the power n, यहाँ चाहे दोनों सब में n लिख लो या nm, उससे कोई फर्क नहीं है, हम nm यूज कर लेते हैं। क्यों कि बच्चा कंफ्यूज ना, बस कि n का दोनों n, तो ये ना सोच ले कि दोनों की पावर से हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 2 की पावर 2, 5 की पावर 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ओके। इसलिए mn यूज कर लेते हैं अलग शो करने के लिए। तो ये इस फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या होगा, सॉरी कुछ गलत लिख गया मैं, है ना, 2 की पावर 2 के फॉर्म में है, तो ये मैंने क्या दिमाग था, इसे लिखोगे क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n, 2 की पावर n में तो एनके 2 है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। बातों बातों में पता नहीं मैंने कुछ गलत लिख दिया, समझ में आ गया ना, 2 की पावर 2 है तो फॉर्म में है कि क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power n, सो 12 ये कुछ नहीं, सो इट इज जो गिवन नंबर है, इट इज अ टर्मिनेटिंग, इट इज अ टर्मिनेटिंग। एक पार्ट और इस मेथड से करता हूं, फिर मैं पुरानी मेथड से डिवाइड करके भी दिखा दूंगा, ओके। सिक्स, सिक्स पार्ट में हमें दे रखा है 23 divided by 0.7, यहां तक क्लियर, और ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सकते हो तो आप इतना लिख सकते हो 0.7 डेसिमल को रिमूव करके ऊपर 0 इंसर्ट कर दिया। अब डिनोमिनेटर क्या है 7, तो क्यू क्या है 2 की पावर n है, नहीं है 2 की पावर 2, 4, 8 आता है, 5 की पावर n नहीं है, 5 आता लास्ट में, और 2 into 5 की पावर n में तो बहुत सिंपल, लास्ट में 0 आना चाहिए, वही नहीं, तो लिख दोगे क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power n और 5 raised to the power n और 2 raised to the power n into 5 raised to the power n, सो ये इस फॉर्म में नहीं है, सो इट इज क्या होगा, इट इज आ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इतना ही बहुत है। अब हम करते हैं 7th पार्ट में है 42 divided by 9, अब मैं इसको सिंपल मेथड से डिवाइड डिवीजन मेथड से कर देता हूं सवाल को, 9 का डिवाइड ऑफ, मैंने ये सारे सवाल कुछ इस मेथड से करे हैं और कुछ आपका स्टैंडर्ड बढ़ाते हुए खाई देती है, 9th क्लास में आता है ना, आप 7th में हो, सीख गए आप, अच्छी बात है ना, ज़्यादा नॉलेज तो अच्छी बात होती है। अब डिवाइड करते हैं, 9 का डिवाइड 42 में, वैसे बताओ अच्छा ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बिना डिवीजन के, विदाउट डेसिमल डिवीजन के, मतलब बिना डिवीजन के, तो ये डिनोमीटर क्या है 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो है नहीं, ना 5 का स्क्वायर है, ना 2 into 5 की कुछ पावर है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, यानी कि कुछ स्टेप बाद ये क्या होगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। देखते हैं कितने स्टेप होता है, 9, 5 जा 45 ज़्यादा हो गए, तो 5 टाइम्स तो जाएगा नहीं, तो 9, 4 जा 36, 42 में से 36 को सबट्रैक्ट करा 6, यहाँ पॉइंट लगाया, आगे 0 इंसर्ट कर दिया, 9, 7 जा 63 ज़्यादा हुआ, तो 9, 6 जा 54, ये 6 था फिर 6 आ गया, तो समझ गए, अब ये 666 रिपीट हो जाए, कैसे 6 था, फिर हम वही करेंगे 0, फिर वो 6 टाइम जाएगा 54, फिर हमने 60 में से 54 सबट्रैक्ट करा 6 आ गया, तो 666 रिपीट होना शुरू हो गया, यानी कि संख्या रिपीट होना शुरू हो जाएगी, तो क्या हो गया, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग, है ना, तो यहाँ लिख दोगे, सो क्लियर हो गया हमें, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। नाउ लास्ट पार्ट, 8th पार्ट, अब लास्ट पार्ट में डिनोमिनेटर क्या है, देखो ये तो हम बता चुके, जब डेसिमल नीचे हो तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लो, कैसे, डेसिमल को फॉरवर्ड करो 2 डिजिट्स, तो ऊपर से भी होगा, यानी कि न्यूमिनेटर का 2 डिजिट्स, ये या ये एक ही बात है, या हम इसको सॉल्व करें या 56 अपॉन 11, एक ही बात है, अब तो मैं इसको डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ, वैसे ही डिवीजन से सॉल्व कर लेना, सिंपल सिंपल 11, 5 जा, अब ये क्या है, नीचे 2 की पावर नहीं है, ना 5 की पावर है, ना 2 into 5, तो यानी कि कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, बट सर क्या है, इन दोनों ये दोनों कैसे होनी चाहिए, को प्राइम, ये आपस में नहीं कटना चाहिए, कट भी नहीं रही है ना, 11, 5 जा 55, 6 में से 5 सेपरेट करा 1,
पॉइंट लगाते हैं, जीरो बढ़ाते हैं तो जानते हैं। अब जीरो बढ़ाने के बाद भी ना जाए तो उसे बोलते हैं ना जाने की जीरो, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे। 11 9 जा 99, 100 में से 99 गए 1, फिर हम एक और जीरो बढ़ाएंगे। अब बढ़ाने के बाद भी नहीं जा रहा, फिर वही ना जाने की जीरो से बोलते हैं, ठीक है, एक जीरो यहाँ रुक, ठीक है ना। अब क्या होगा, 11 9 जा 99, तो देखो फिर वही आ गया 1, तो यानी कि ये रिपीट होता रहेगा, 09 09 09 09 09, यानी कि क्या आया, 56 अपॉन 11 की वैल्यू, या आपका जो नंबर था 0.56 डिवाइडेड बाई 0.11, क्या आ जाएगा ये 5.09 09 09 एंड सो ऑन। और इस तरह के डेसिमल क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये क्या हो गया, इट इज नॉन, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज रिकरिंग डेसिमल, यही सवाल है, सॉल्व करना है, इसको रिकरिंग में रिप्रेजेंट करना है। जैसे फर्स्ट है 1 and 1/3, 1 and 1/3, ओके। अब इसके देखो, हमने आपको एक कई बार बताया है, अगर आप डिवाइड करें तो 1 point something, आप केवल 3 का डिवाइड 1 में कर दीजिए और 1 के बाद पॉइंट लगा दी, वही आएगा। अब आपकी मर्जी है, आप इसको अगर मिक्स को इम्प्रॉपर में लिखना चाहें लिख लीजिए, 3 बन जा 3 + 1 4/3, इसका मतलब ये अब 3 का डिवाइड हम 4 में करते हैं, या आप 3 का डिवाइड डायरेक्ट 1 में कर दोगे तो 0.3333 आएगा, तो 1.3333 हुआ। अब देखो इसे चेक करो, ये भी वही आएगा, 1.333 चेक कराते हैं, 3 का डिवाइड हमने 4 में करा, 3 बन जा 3, 4 में से 3 सबट्रैक्ट करा 1, डेसिमल लगाया आगे 0, 3 3 जा 9 फिर 0, 3 3 जा 9 फिर 0, 3 3 जा 9 फिर 0। अब कब तक लिखें, बस एक दो स्टेप बहुत है, हमें सब दिखाई देगा, 1 1 1 हर स्टेप में आ रहा है, तो इतनी बहुत है, तो बस ये रिकरिंग कहलाता है कि 1 and 1/3 इज 1.333 एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.3 पर डॉट या 3 पर बार, उसका मतलब एक ही होता है, जितनी डिजिट पर बार वो रिपीट हो रही है, यानी कि इसके बाद 333 आ रहा है जैसे ऊपर है, क्लियर। ये होता है रिकरिंग डेसिमल में एक्सप्रेस करना। सेकेंड पार्ट इसका वो 2 का फर्स्ट पार्ट था, नाउ सेकेंड पार्ट, 10 upon 11, तो 11 का डिवाइड हम 10 में करेंगे, चलिए करते हैं 11 का डिवाइड 10 में, क्या 11 का डिवाइड 10 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, ना जाने की जीरो से बोलते पॉइंट लगा के हमने यहाँ जीरो इंसर्ट कर लिया। 11 9 जा 99, फिर 1 आ गया, अब 1 आ गया तो समझ लो वही आना है, जैसे 09 09 आएगा, कैसे बताते हैं, जीरो बढ़ाया, अब 11 का जीरो 10 में तो जाएगा नहीं, तो जिससे बोलते ना जाने की जीरो, फिर एक जीरो और बढ़ाएंगे, फिर देखो 11 9 जा 99, फिर 1 आ गया, तो वही रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, इतना ही बहुत है, यानी कि 0.9090, चलो एक स्टेप और लिख लो, ना जाने की जीरो, जीरो बढ़ाया, 11 9 जा 99, फिर 1, तो क्लियर हो गया, 90909090 रिपीटेशन आएगा। तो 10 upon 11 को हम क्या लिखेंगे, 0.909090 एंड सो ऑन, या 0.90 इस पर बार लगा दे रहा हूँ, कहीं कहीं बार लगा दूंगा, कहीं कहीं डॉट, जिसको आपको रटिया अच्छा से ध्यान रहे कि डॉट या बार का मतलब एक ही होता है, जितनी डिजिट पर बार लग रही हैं या डॉट लग रही हैं वो डिजिट रिपीट हो रही है, इसका मतलब क्या, 90909090 वही लिख रहे थे, 90909090। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, 5 upon 6, चलिए करें इसको रिकरिंग में कन्वर्ट, यानी कि हमें 6 का डिवाइड 5 में, ना जाने की जीरो से बोलते हैं 5 में से 5, या पॉइंट बढ़ाया 0, ये जरूरी नहीं कि आप दिखाओ डेम पॉइंट लगा के यहाँ भी 0 बढ़ा सकते हो ना। अब 6 का डिवाइड दें 50 में, 6 8 जा 48, 50 में से 48 सेपरेट करें 2, आगे 0 इंसर्ट करा, 6 3 जा 18, फिर 2, तो यहीं क्लियर हो गया, 2 के बाद 2 आ रहा है, यानी कि 3 रिपीट होगा, चेक करा दें एक दो स्टेप, आपको जीरो बढ़ाएंगे आगे, 6 3 जा 18, फिर हमने सबट्रैक्ट करा 2 आ गया, ठीक है ना। अब क्या करें, फिर 0 बढ़ाया, फिर 3 टाइम्स, तो इतनी बार जरूरत नहीं है, 2 स्टेप लिख दिए बहुत हैं, यही हमें क्लियर हो जाता है कि रिपीटेशन शुरू हो गया, 2 2 2 आ रहा है, तो इसका मतलब कि 6 upon 5, ना ये तो उल्टा लिख दिया, हाँ उल्टा लिख दिया ना, 5 upon 6 इज इक्वल
0.8, जिसमें कैसे समझ के गलत लिख रहा हूँ, क्योंकि अपॉन में 5 है तो ये तो टर्मिटिंग होता है, बताया था ना 5 की पावर n हो या 2 की पावर n, तो यहीं से मैं समझ गया क्योंकि मिस्टेक करी, तो देखा मैंने उल्टा लिख दिया क्योंकि ये तो टर्मिनेटिंग हुआ 100%, तो 8333 एंड सो ऑन, या ही इसी को हम क्या लिख सकते हैं 0.83 पर बार या 3 पर डॉट, वो एक ही बात है। इसका ये कहलाता है रिकरिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। ओके, इसका रिवर्स आते सवाल जो आगे आपके 3, 4, 5 में कि ये फॉर्म दे रखी होगी, इसको हमें पी अपॉन क्यू क्यू फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना होगा। आगे सवाल 3rd, 4th, 5th इसी बेस पर है, वो करेंगे, उसका भी मेथड है बताएंगे ना। नाउ फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में है 2/13, 2/13 को हमें रिकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आप चाहो तो ले सकते हो, 0 उतार लिया, पॉइंट बढ़ा के 0 ऐसे कर लो, 13 बन जा 13, 20 में से 13 गए तो 7, आगे 0 आया, 13 5 जा 65, कितना बचा 5, फिर 0 आया, 13 3 जा 39, 11 बचा फिर 0, 13 7 जा 91, नहीं और जाएगा 19 104 होता है ना, 13 8 जा 13 8 जा, अच्छा सवाल आया, काफ़ी स्टेप बाद रिपीटेशन आएगा, 104 और 10 में से 4 गया 6 तभी तक आए नहीं, 0 13 4 जा 52, ये अच्छा सवाल मिला, 8 0 फिर 13 5 जा 5 जाएगा 13 6 जा चला जाएगा 78, 13 6 जा 78, ये अच्छा सवाल आया भाई। अब जाके आ गया 2, और इस 2 से ही स्टार्ट था, समझ रहे, तो हम यहीं रोक सकते हैं, यानी कि अब फिर वही स्टार्ट हो जाएगा 1 5 3 8 4 6 1 5 3 8 4 6, ऐसे रिपीटेशन आता है। कैसे पता चला, यहाँ 2 आया, हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, फिर वही प्रोसीजर हो गया सीधे सीधा, आप 0 उड़ाओगे देखो फिर क्या हो गया 13, ये तो 0 रन के दिया गया, 13 बन जा 13, क्लियर, फिर जरूरत नहीं है मैं आपको समझाने के बता रहा हूँ, 20 में से 30 सेपरेट करा 7, देखो वी आर 7, अब तो वही प्रोसेस रिपीट होगा, तो 13 5 जा 65 5 एंड सो ऑन, तो आपको कहाँ स्टॉप कर देना, नहीं जब 2 आ गया तो 2 से हमें डिवीजन पता है, 2 से शुरू से है, तो यानी कि इसका फिर वही आएगा क्या 1 5, अगर आप दोगे तो 1 5 3 8 4 5 6, फिर 1 5 3 8 4 6 है, बस ये गलत लिख दिया ना जी, यहाँ तक है ना 1 5 3 8 4 6, 1 5 3 8 4 5 नहीं है ना 6, ये लिखोगे नहीं तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे रिपीट आप करके देखना यही आएगा, तो आप क्या लिख दोगे से 2/13 इज 0.153846 इसके ऊपर वाह, ये हो गया इसका रिकरिंग डेसिमल। फोर्थ पार्ट 1/9, चलिए करते हैं, 9 का डिवाइड हमें 1 में देना है, डेसिमल लगाया 0, 9 बन जा 9 1 0, 9 बन जा 9, यहाँ तो क्लियर ही हो गया, क्या आ गया यही आता रहेगा, फिर 0, 9 बन जा 9 1, तो क्या हो गया 1/9 इज 0.111 एंड सो ऑन, या फिर हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं 1/9 इज 0.1 पर डॉट या 1 पर बार, क्लियर, ये इसका फिफ्थ पार्ट हुआ। नाउ सेकंड लास्ट पार्ट 6/5, 5/18, 5/18 को हमें एक्सप्रेस करना है एज अ रिकरिंग डेसिमल, तो चलिए करते हैं, 18 का डिवाइड 5 में करना सिंपल सिंपल, तो 18 से हम 5 में डिवाइड करेंगे, यहीं चलो जैसे कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं, डेसिमल लगाया 0, 18 3 जा 54 ज़्यादा हो गया, तो 18 2 जा 36, सबट्रैक्ट करा तो 14, फिर आगे 0, क्योंकि 18 का डिवाइड 14 मिल जाएगा, तो 0 बढ़ाया क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी आ चुका है, 80 का डिवाइड हमें कब तक देना है, जब तक कि 114 आ जाए, तो 18 7 जा कितने होते हैं 126, ठीक है ना, तो 7 times गया 18 8 144 ज़्यादा हो जाएगा, तो 18 7 जा 7 8 जा 56, कैरी 5, 7 1 जा 7 5 12, 126, फिर सेपरेट करा 14, अरे ये तो ही रिपीट हो गया, 14 आ गया, तो इसी 7 7 आता रहेगा क्योंकि हम 0 बढ़ाएंगे, फिर 18 7 जा 126, फिर सेपरेट करेंगे फिर 14, फिर 0 बढ़ाओगे, तो यहीं दिखाई देगा 7 7 आना शुरू हो गया, इसका मतलब
फाइव अपॉन 18 की वैल्यू क्या है, 0.2777 एंड सो ऑन, या 5 अपॉन 18 इज 0.27 पर बार या 7 पर डॉट। ओके नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, एट्थ पार्ट 7/12। तो एट्थ पार्ट में हमें दे रखा है 7/12। चलिए करते हैं, अब तो आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो, होशियार हो गया। 12 का जाएगा 0 टाइम्स ही, ज्यादा 7 डेसिमल लगा के 0 बढ़ा लें। ओके 12 6 जा 72 ज्यादा हो जाएगा तो 5 टाइम्स ही जाएगा, 12 5 जा 60, सबट्रैक्ट करा 10 बचा, फिर हमने एक आगे 0 बढ़ा लिया, और 12 8 जा 96, 4 बचा 0, 12 3 जा 3 टाइम जाएगा, 12 3 जा 36, फिर 4 आ गया था यानी कि 3 हो जाएगा, जैसे 0 डालो चेक कर लो, 12 3 जा 36, फिर समझ में आ गया ये 3 रिपीट होता जाएगा। इस तरह के टर्म कहलाते हैं रिकरिंग, जिससे यार नॉन टर्मिनेटिंग एक ही बात होती है। तो हम लिखेंगे कि 7/12 इज इक्वल 0.58333 एंड सो ऑन, या इसी को हम क्या लिखेंगे, जो टर्म रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर डॉट या बार लगा दो, 0.583 पर डॉट या 3 पर बार। ओके 26 मिनट्स की वीडियो होगी, लंबी वीडियो हो जाएगी, वरना मैं सोच रहा था 3, 4, 5 भी इसमें करता, लेकिन उसमें 4 पार्ट्स है। ओके तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही होंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं 3, 4, 5 पूरी क्वेश्चन हो जाएंगे और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आप टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्म कौन से होते हैं ये समझना सीख गए, और हम कैसे फ्रैक्शन को रिकरिंग डेसिमल में या रिपीटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं ये भी सीख गए, है ना। मैंने दोनों मेथड बताए थे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले के, कि अगर नीचे क्या हो जो डिनोमिनेटर होता है, अगर क्यू की जो वैल्यू है 2 की पावर एन या 5 की पावर एन या 2 × 5 की पावर एन हो, तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज इसके अलावा कुछ फॉर्म है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, है ना। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।